7 अगस्त को हम लोग बैठे हुए यहाँ पे हमारे दोस्त हैं झांसी के मिस्टर बीएन शर्मा, इनको हमने ये 2012 की बात है, इनको एंजियोग्राफी 2012 में कहाँ कराई थी आपने? एंजियोग्राफी कहाँ कराई थी? पहले भी आपने कहीं और करा के आए थे, आपने कहा था मैं स्टेंट ही लगाऊंगा, ये पहले एक एंजियोग्राफी कहीं और हुई थी इनकी, उसके बाद मैंने रिपीट करी और ब्लॉकेज बहुत ज्यादा थे। इनसे सजेशन सबने यही दिया था कि भाई आप लोग बाईपास सर्जरी करा लीजिए, लेकिन ये बाईपास सर्जरी से थोड़ा सा ये भयभीत थे, तो उन्होंने कहा कि आप स्टेंट लगाइए, यदि कुछ भी हो जाए मैं स्टेंट ही लगाऊंगा, आप अगर कोशिश करें तो लगा लेते हैं। इनके 4 स्टेंट 2012 में लगाए थे और ये एलईडी में आरसीए में, दो एलईडी में, तो आरसीए में 2012 दिसंबर में, अभी अगस्त 2023 आ गया है, 9 साल हो चुके हैं, 11 साल, 11 साल में इन्होंने एक दो बातें हैं, इन्होंने रेगुलर दवाइयां खाई पहली बात, दूसरी बात इन्होंने रेगुलर दिखाया भी है, हर 3 महीने पे झांसी से बेचारे सुबह सुबह पहुंच जाते हैं और फिर वेट करते हैं और फिर मुझे दिखाते हैं और फिर रात को निकल जाते हैं। वो इनकी वजह से इनको ना छाती में कोई दर्द है, ना एंजाइना है, हार्ट की फंक्शनिंग नॉर्मल है, इनको डायबिटीज भी है, डायबिटीज भी कंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर भी है वो भी कंट्रोल्ड है। तो ऐसे रोगियों को जो अगर ऐसा नहीं है कि बाईपास सर्जरी सबको बहुत जरूरी होती है, अगर 4 स्टेंट 2012 में मैंने लगाए थे